आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि सरकार तीनों बिल तो वापस लेने को तैयार नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम एमएसपी पर भरोसा दे रहे हैं। लिखित प्रस्ताव पर क्या बातचीत नहीं होनी चाहिए? और हमने सुना है कि दिल्ली जयपुर जो रोड है उसको जाम करने पर सरकार से आपकी बातचीत हुई और आपने कह दिया है कि ठीक है अभी इसको एक सप्ताह नहीं करेंगे। पूरी बात समझा है, मैंने इस आंदोलन जो तीनों कृषि बिल लोकसभा के अंदर जब लाए गए थे उस दिन मैं अंदर नहीं था, मेरी कोरोना की झूठी रिपोर्ट बताकर मुझे बाहर कर दिया था, नहीं तो निश्चित रूप से लोकसभा के अंदर भी मैं तीनों कृषि बिलों का विरोध करता। ठीक है, अब ये जो तीनों बिल है इनको लाने की आवश्यकता ही नहीं है, और अगर ये लेके आए तो किसान का तो इसमें कोई भला होने वाला नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, जो जो एक पूरा देश इनके ऊपर भरोसा कर रहा है, प्रधानमंत्री धारा 370 हटा देते हैं तो किसानों के लिए उनको इतना करना चाहिए। आज किसान ठंड में पिछले 16 दिन से हड़ताल पे है और हमें कोई मजा नहीं आता कि वहाँ इस बात पर राजनीति करें, लेकिन किसान और जवान को जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम जाएंगे। परसों 12 तारीख हमारे पहले पंचायत चुनाव थे, नहीं तुम पहले ही सड़कों पर आ जाते। मैंने गृह मंत्री जी को बीच में पत्र भी लिखा था, चेयरपर्सन है वो एनडीए के। राजस्थान में तो पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत हो गई, ये कृषि बिल और ये आंदोलन होते हुए वो कह रहे हैं यहाँ तो लोग हमारे साथ खड़े हैं। अजी मेरी बात सुनो, पंचायत चुनाव के अंदर जीत नहीं हुई, अभी 12 जिले बाकी हैं और कल जो नगर पालिका का रिजल्ट आया उसमें बीजेपी हार गई, आपने आज देखा होगा। 3 इलेक्शन होने हैं अभी राजस्थान में, आगे के चुनाव आगे हैं, इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ तीनों जो बिल है इन बिलों से सरकार को कोई भी फायदा नहीं होने वाला, सरकार को जीत छोड़नी चाहिए। परसों मैं 10-15 हजार लोगों के साथ बॉर्डर पर गया था, मैं रोका था बॉर्डर पे, गृहमंत्री जी का टेलीफोन मेरे पास 2 आया था और उन्होंने कहा कि एक बार आप आके मिलो मैं बात भी करूंगा, लेकिन इन किसका फोन आया था? अमित शाह जी का, अमित शाह जी का टेलीफोन आया था। हाँ कि भाई आप आए, और चूंकि मैं एनडीए अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है, अभी मैं अंदर ही हूँ, हो सकता है कि किसान आंदोलन में एनडीए छोड़ना पड़ जाए क्योंकि हम भी बात से पीछे नहीं हटेंगे। ये तीनों जो कृषि बिल है ये किसानों के पक्ष में कतई नहीं है। ठीक है, गौरव भाटिया जी लाने की भी आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं इन कृषि बिलों की। ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए उनके बात का। हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी सीधी धमकी दे रहे हैं कि एनडीए भी छोड़ देंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि सरकार की किरकिरी हो रही है, किसान आपसे गुस्सा रहे हैं इसको लेकर। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो इसी तरह की बातें 2019 के चुनाव से पहले भी करी गई थी। किसान खुश नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता ने करारा तमाचा दिया, पक्ष सब देख रहे हैं। लेकिन मैं आज अपना उत्तर 2 भाग में बांटूंगा, पहले किसान भाइयों की चर्चा करूंगा। श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही है कि किसान हमारा सम्मान है, हमारी पहचान है और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। और ये बात आप भी मानेंगी कि ये ईमानदार सरकार है जिसकी मंशा पे कोई शक नहीं हो सकता। बातचीत का दौर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, किसानों की जो भी मांगे होंगी उस पर विचार होगा। लेकिन हाँ, एक बात सरकार ने भी स्पष्ट मांगी है कि आप ये तो बताइए कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिससे आपको दिक्कत है, जिससे कि कोई ना कोई सलूशन, कोई हल निकाला जाए। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे जो आपने भी अपने चैनल में उठाई। आज हमने देखा अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, शपथ संविधान की लेते हैं, वो धरना प्रदर्शन और उपवास पे बैठे हुए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं अंजना जी जो 23 नवंबर 2020 को एक कानून लागू दिल्ली में कर चुके हैं। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? किसानों में और सरकार में तो बातचीत होगी, लेकिन ये जो शोर मंडली है ना जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम को किसान बताया जाता है, उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरी बात, संसद में हार गए तो क्या गलियों में इस तरह से आप दिखाएंगे कि राजनीति हो गई? ये मैं राजनीतिक दलों के लिए कह रहा हूं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं किसान अगर आज अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा। और किसान राहुल गांधी जी से क्या कह रहे हैं आपको मालूम है अंजना जी? कि आप 51 साल की उम्र तक अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पाए तो इसलिए प्रवचन मत दीजिए।